नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां हम सीखते हैं एडवांस एक्सेल एंड वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। और ये हमारी लाइव क्लासेस का बैच है। ये जो रिकॉर्डिंग आप देख रहे हैं, ये लाइव क्लासेस का रिकॉर्डिंग है, जिसमें आप हमारे साथ डिस्कस करते हैं कंप्लीट MIS रिपोर्ट ऑटोमेशन। तो हमारे साथ कुछ बच्चे ऑनलाइन हैं, रात को 8 बज चुके हैं, और हमारे साथ कुछ बच्चे ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे हैं इस गोटू मीटिंग की मदद से। तो देखिए किस तरह से ट्रेनिंग लेते हैं, फिर आगे हम, अगर आप भी लेना चाहें तो आप लोग डेमो क्लासेस का फॉर्म भर सकते हैं, DVD परचेज कर सकते हैं। इसके लिए आप वेबसाइट IPTIndia.com पे जा सकते हैं। तो डायनेमिक चार्ट का हमारा लास्ट सेशन आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे कि किस तरीके से एक्सेल को, मतलब चार्ट्स को हम यूज करते हैं बटन्स के बगैर बनाने के। बाकी चार्ट्स पे जो भी आपके ट्रिक्स थे, कंडीशंस थे, फॉर्मूले थे, हमने आपके साथ डिस्कस किया था पिछले 3-4 क्लासेस में, और आप लोगों ने अच्छी तरह से उसका यूज भी किया, ठीक है। अब हम उसमें, हम बात थोड़ा सा उसको और एक करने के लिए, थोड़ा सा हम उसको और ज्यादा थोड़ा सा डायनेमिक करने की कोशिश करते हैं। चलिए, अब जैसे कि मैं यहां पे, मान लीजिए सबसे पहले मंथ लिख देता हूं, मंथ नहीं, मैं यहां पे नेम लिखता हूं, नेम, और यहां पे मंथ है, छोटा सा डेटा हम आपके साथ क्रिएट कर रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पे डेटा बना देते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि मैंने ये जो डेटा बनाया, अब इसको मुझे चार्ट के जरिए रिप्रेजेंट करना है। जो आपके सामने भी डेटा दिख रहा है बनते हुए, इसको हमें चार्ट के जरिए रिप्रेजेंट करना है। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर हम चार्ट के जरिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो एनालाइज करने में काफी दिक्कत होगा। देखिए, अगर हम चार्ट लगाते हैं यहाँ पे, और लगाने के बाद यहाँ पे चार्ट दे दिया, ठीक है, तो इसमें पता नहीं चल रहा है ना सर कि कौन किसका है, एनालाइज करना है, दूसरे को समझ पाना मुश्किल पड़ जा रहा है। तो यहां पे मुझे क्या है कि बिटवीन नेम में कंपेयरिंग नहीं करना है, मुझे हर नेम के मंथ में कंपेयरिंग करना है, ठीक है। तो मुझे जो चार्ट बनानी है, इस तरह से चार्ट बनानी है कि इंसर्ट, और यहां पे हमने चार्ट बना दिया। अब यहाँ पे जो चार्ट बना, इसमें पुनीत का आ रहा है, ऐसे नीरज का हुआ, हर किसी का अलग अलग चार्ट बनाना तो मुश्किल है। तो हम चाहते हैं कि हम एक ड्रॉप बॉक्स या कुछ ऐसा दे जहां पे हम चेंज कर सके, राइट। अब इसको हम यहां पे कॉपी करते हैं, हेडिंग को यहां कॉपी कर पेस्ट कर देते हैं, और यहां पे 1 दे दिया, अब यहां पे हम लोग ऑफसेट का फॉर्मूला लगाते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, और यहां पे देखते हैं पहला रो यहां पे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, एंड कॉलम 0 कर दो, तो पुनीत आ गया। अब इसको आगे ड्रैग करने से पहले जो हमने 1 दिया, इसको फ्रीज कर देते हैं, और फिर आगे इसको ड्रैग कर देते हैं। अब इसको सेलेक्ट करके हम यहां पे
चार्ट बनाते हैं। चार्ट बन गया। अब यहां पे वन की जगह पे मैं अगर टू लिखूंगा तो आ गया नीरज, थ्री लिखूंगा, फोर लिखूंगा, तो प्रॉब्लम है कि यहां पे ड्रॉप डाउन आ रहा है, राइट? ये जो ड्रॉप डाउन आ रहा है आपका, यहां पे ड्रॉप डाउन आ रहा है, मैं चाहता हूं कि यहां पे आए ताकि चेंज कर सकूं, तो इसके लिए हमें डेवलपर टैब में जाना पड़ेगा। डेवलपर टैब में यहां इंसर्ट कॉम्बो बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स को सिलेक्ट कीजिए और फिर हम इस पे राइट क्लिक, यहां से इस पे राइट क्लिक करते हैं और असाइन मैक्रो पे चले जाते हैं। माफ कीजिएगा, असाइन मैक्रो नहीं, फॉर्मेट कंट्रोल, क्योंकि पहले लिस्ट चाहिए ना हमें इसमें, तो इनपुट रेंज पे जाकर हम इसका ये सेलेक्ट कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि ड्रॉप डाउन में लिंक ये आ जाएगा, जो ये यहाँ पे है जैसे डेटा रिलेशन में होता है ना, उस तरीके से यहाँ लिस्ट आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ जब मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो इस पे यहाँ का सीरियल नंबर इफेक्ट करे, जैसे कि मैंने पुणे सिलेक्ट किया तो यहाँ पे वन इफेक्ट करे, तो इसके लिए हम यहाँ राइट क्लिक, यहाँ सॉरी राइट क्लिक करते हैं और असाइन, यहाँ फॉर्मेट कंट्रोल में जाते हैं और यहाँ सेल लिंक में इसको सिलेक्ट कर देते हैं और फिर 3D शेडिंग करके ओके करते हैं। अब देखिए नीरज, पुनीत, नेहा, ठीक है, समझ में आया सर आप लोग को? हाँ बोलिए। एक मिनट रुकिए, फॉर्म कंट्रोल पे आप विदाउट VVM मैक्रो के वगैरह यूज कर सकते हैं। एक्टिवेस कंट्रोल अगर कुछ करते हैं तो इसके लिए आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, तो फिलहाल एक्टिवेस कंट्रोल नहीं करना है, फॉर्म कंट्रोल करना है, राइट? ठीक है, अब चलिए इसमें कुछ और करते हैं। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे टारगेट दे दिया, आप चलिए कुछ और इस्तेमाल करते हैं, हम यहाँ पे टारगेट दे दिया, टारगेट और टारगेट हम दे दिया, और मैं चाहता हूँ टारगेट की जो कंपेयरिंग है मैं जब चाहूँ तब दिखे, तो हमने जैसे यहाँ पे आपका क्या था कॉम्बो बॉक्स, इसके बगल में आपके पास क्या है चेकबॉक्स, चेकबॉक्स को लिया और यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हम कर देते हैं टारगेट। मैं चाहता हूँ जब चेकबॉक्स पे क्लिक करूँ तो टारगेट का दिखे, अदरवाइज ना दिखे, तो इसको भी राइट क्लिक, इसको भी, इस पर भी हम राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट, इसमें फॉर्मेट कंट्रोल में जाएंगे तो यहाँ भी आपका आता है सेल लिंक। अगर सेल लिंक इसके बगल में दे दिया और 3D शेडिंग करके ओके करता हूँ, 3D में क्या 3D इफेक्ट आ जाता है, तो इस पे जब मैं टारगेट पे क्लिक करूंगा, जब यहाँ टारगेट पे क्लिक करूंगा तो यह ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। अब इसके बिहाफ पे मैं यहाँ पे इफ का कंडीशन लगा सकता हूँ कि इफ हमने बोला कि अगर ये ट्रू है तो ये टारगेट को शो करो, अदरवाइज ब्लैंक करो, और फिर फ्रीज करने से पहले मैं इस ट्रू वाले को फ्रीज कर देता हूँ ड्रैग करने से पहले। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा यहाँ पे डेटा दिखेगा और फिर चार्ट को यहाँ नीचे तक हम ड्रैग कर देंगे, ठीक है। अब मैं इसको हटा दूंगा तो नहीं दिखेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर मान लीजिए कि मुझे, अब मैं क्या करता हूँ, एक काम और करता हूँ कि मैं चार्ट के डिजाइन में जाता हूँ और यहाँ पे इसकी लेआउट को चेंज करता हूँ,
लेआउट को चेंज करता हूँ स्क्रीन पे। अब मैं चाहता हूं कि दो का कंपेयरिंग हो, मैं चाहता हूं दो का कंपेयरिंग। तो यहां पे दो के कंपेयरिंग में बेटर यही रहेगा कि मैं यहां पे लिस्ट बॉक्स जो है ये असाइन करूं। तो लिस्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स होते तो एक जैसे हैं, बट लिस्ट बॉक्स में क्या होता है कि नाम सिक्वेंसली दिखता है और कॉम्बो बॉक्स में हमें ड्रॉप डाउन करना पड़ता है। और सेम मैं राइट क्लिक इस पे राइट क्लिक करूं और फॉर्मेट कंट्रोल में जाऊं और मैं इनपुट रेंज में इधर देता हूं ताकि ड्रॉप डाउन बना रहे और सेल लिंक में हम इसके बगल में यहां डाल देते हैं 3D शेडिंग। एंड अब इस पे क्लिक करूंगा तो इसका सीरियल नंबर यहां दिखेगा और चार्ट भी यहां से देता। अब मैं यहां पे सेम जो हमने ये लगाया है इसी को कट करके पेस्ट कर सकते हैं। और इसको उठा दिया यहां कंट्रोल आर। तो यहां हम दो के साथ कंपेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक और है स्पाइन बटन, स्पाइन बटन में याद रख देता हूं इसे नेक्स्ट और प्रीवियस के लिए। तो राइट क्लिक कीजिए फॉर्मेट कंट्रोल में। अब इसमें मिनिमम आपकी एक हो गई, मैक्सिमम इसमें कितना है आपका 8 है नहीं 9 है, तो 9 कर दिया मैक्सिमम। और सेल लिंक हमने इसको जो पहले दूसरा वाला था ना लिस्ट बॉक्स उसको डाल दिया एंड ओके कर दीजिए। अभी क्या होगा कि इससे भी नेक्स्ट 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 प्रीवियस 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 नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ठीक है। कोई डाउट सर इसमें? नहीं, उसके लिए प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगा। अब इसमें आता है रेडियो बटन, चलिए इसको हम ऑप्शन बटन बोलते हैं, उसका भी इस्तेमाल हम आपको करना सिखाते हैं। इसी में मान लीजिए इसी को ले लेते हैं, इसी डेटा को नीचे ले लेते हैं। ठीक है, अब मैंने इसको उठाया, इसको एक काम करता हूँ इसको यहां से हटा देता हूं। ठीक है, अब मैं यहां पे ऑप्शन, यहां पे मैं मान लीजिए 1 लिखता हूं वहां पे 1, और फिर मैं यहां पे लगाता हूं फॉर्मूला ऑफसेट का ऑफसेट, इसको सेलेक्ट किया, इसको नेम आप कीजिए डेटा है हमारा डेटा ऊपर, डेटा को सेलेक्ट किया और हमने रो में रो 0 कर दिया एंड कॉलम में हमने इसको 1 ले लिया, उल्टा कर दिया कॉलम 1 ले लिया तो जैन आ गया। अब इसको फ्रीज कर देते हैं F4 से और नीचे F4 से फ्रीज करते हैं और नीचे की तरफ इसको ड्रैग करते हैं। अब इसको सेलेक्ट करके हम कीवर्ड बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ कीवर्ड नेम आपके चार्ट चार्ट बनाने की कोशिश करें, लेकिन मैं चाहता हूं कि चार्ट के ऊपर चार्ट बनाया उसके ऊपर हम चॉइस डालना कि हमें जनवरी के चाहिए या फरवरी का चाहिए या मार्च का चाहिए, ये चॉइस डालना हम चाहते हैं। तो ऑप्शन बटन में हम इसको यहां लिखते हैं
जैन। अब इसी को राइट क्लिक करके हम फॉर्मेट कंट्रोल में जाते हैं और 3D शेडिंग, और यहाँ पे हम कर देते हैं, यहाँ पे सेल लिंक आ जाए। और फिर इसको कंट्रोल के साथ दबाइए, सॉरी चार्ट भी आ रहा है, इसको सेलेक्ट किया हमने, राइट क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसको कंट्रोल और को के साथ प्रेस करके इसको कॉपी कर सकते हैं। फाइव मार्च अप्रैल मई जून। अब एक एक करके आप इसका नाम चेंज करते चले जाइए। एडिट टेक्स्ट, यहाँ पे फाइव राइट क्लिक, यहाँ पे मार्च अप्रैल मई और लास्ट में आपका जून, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब इसको सेलेक्ट करते हैं तो किसी यहाँ पे चेंज हुआ है, जबकि हमें यहाँ चेंज करना है, हमने गलती कर दी। तो ध्यान रखिएगा कि आप राइट क्लिक कीजिए, इस पर राइट क्लिक कीजिए और फॉर्मेट कंट्रोल में जाइए, किसी एक को चेंज कीजिए, चेंज सिर्फ एक को करना है, बाकी सारा अपने आप चेंज हो जाता है, बाकी जो है अपने आप चेंज, ठीक है। तो रेडियो एडिटर का यूज आप इस तरह के ऑप्शंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस में इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कोई डाउट इसमें? हाँ पूछिए। क्या सारे मतलब? तो सम करना पड़ेगा आपको, मैनुअली कोई होगा, चार्ट में कैसे कर लोगे आप? नहीं नहीं चार्ट के अंदर कैसे हो जाएगा, फील अलग फील तो ऐड करेगा। ऑल के लिए फिर आपको डेटा यहां सम करना पड़ेगा ना, अगर ऑल करना चाहते हैं, ऑल अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कि यहां पे टोटल का एक यहां कॉलन देना पड़ेगा ना, सम चार्ट के अंदर कुछ नहीं हो पाएगा। हाँ चार्ट इसको फिर कॉल कर लेगा, जैसे जैन फे मार्च को कॉल किया, जैसे इसको कॉल कर लेगा, टोटल को कॉल कर लेगा, जून के बाद इसको एक बार और ड्रैग कर दीजिए, इसको यहाँ पे लिख दीजिए टोटल या ऑल, जो भी लिखना चाहते हैं। अब देखिए इसे क्लिक करते हैं, आपका टोटल आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए आपको स्क्रॉल बार बनाना बताते हैं, स्क्रॉल बार, राइट है। स्क्रॉल बार मतलब कि हमें हो सकता है कि जब हम लोग डेटा बनाए तो हमारे पास लार्ज डेटा ऑफ अमाउंट हो, लार्ज डेटा ऑफ अमाउंट हो, और हम इस पे राइट क्लिक करके रैन बिटवीन लगाते हैं 90। कंट्रोल आर कंट्रोल डी,
और फिर इसको सबमिट करते हैं। अब मुझे क्या करना है कि इस पूरे डेटा जो यहां दिख रहा है मुझे उसको एक छोटे से डेटा में शो करना है, एक छोटे से एरिया, इतने बड़े एरिया। डैशबोर्ड प्रोग्रामिंग इसकी जरूरत पड़ जाती है, ध्यान रखिएगा इसका। पॉसिबल है इतने छोटे एरिया में पूरा डेटा को मुझे यहां शो करना। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हम जैसे कि यहाँ सीट में भी देख रहे हैं आपके सीट में देखते हैं एक से लेकर 23 तक क्या ही है ना, नीचे डेटा के लिए आपको स्क्रॉल करना पड़ता है ना, नीचे स्क्रॉल करते तो ऊपर का डेटा हिडन हो जाता है। जैसे आपको 24वां नंबर देखना है तो आपको 224 दिख रहा है, फिर 3, 4, 5 दिख रहे हैं। तो उसी तरीके से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्लाइसर का यहाँ पे स्क्रॉल बार ले लूंगा। डेवलपर टाइम में हमारे पास स्क्रॉल बार की फैसिलिटी है कि आप स्क्रॉल बार डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसको राइट क्लिक किया यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल, और मैंने अब जैसे मुझे देखना पड़ेगा कि इसमें टोटल डेटा क्या है, तो टोटल डेटा हमारा है 294 और ये कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7। तो 294 माइनस 7 कितना हुआ, 1 से मिनिमम वैल्यू 1 होगी, हाँ 0 भी हो सकता है, मैक्सिमम हो जाएगा 294 माइनस 7 मतलब कि 287, इसलिए क्योंकि उससे आगे ना जाए और सेल वैल्यू में यहां पे हम क्लिक कर देते हैं। अभी क्या होगा कि जैसे हम यहां स्क्रॉल करेंगे ना वैसे से उसका इंक्रीजिंग नंबर यहां बढ़ेगा, ठीक है। वे नंबर चेंज हो रहा है क्योंकि हमें रहन बिटवीन लगा रखी है, इसको कॉपी करके हम वैल्यू पेस्ट कर देते हैं। अब यहां पे हम लगाते हैं फॉर्मूला ऑफसेट, ऑफसेट और ऑफसेट में हम रेफरेंस देते हैं इसका कि यहां से स्टार्ट होगा और ए सिलेक्ट किया हमने एंड कॉलम नंबर हमने दे दिया 0, तो नेम सॉरी यहां हमने गलत किया, हमें 0 से स्टार्ट नहीं करना है, नहीं सही है सही है, 0 से स्टार्ट करना है। और फिर अब मुझे इसमें प्लस 1 करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसको फ्रीज कर दीजिए अब फोर से, और बाकी को फ्रीज करने की जरूरत नहीं। अब सब में सॉरी सॉरी इसको भी फ्रीज करना पड़ेगा, इसका सिर्फ रो फ्रीज करना पड़ेगा आपको, सब में पुनीत पुनीत ही आया हुआ है। तो मुझे क्या करना है कि इसे 1 प्लस है, यहाँ पे हम 2 प्लस करेंगे, फिर यहाँ पे 3 करेंगे, यहाँ पे हम 3 प्लस करेंगे, इस तरह से कंटिन्यू सीक्वेंस चलेगा। तो जब सीक्वेंस देना है तो एक एक लिखने के बजाय मैं यहाँ पे सिंपल लगा देता हूँ रो, और रो में -1 कर देता हूँ, और फिर आगे तक जाएगा। बोला अब मैं इसको जैसे ड्रैग करूंगा तो होता है क्या, देखिए अभी क्या है कि 0 है, 0+1 मतलब कि पुनीत की वैल्यू, 0+2 मतलब पूजा की वैल्यू, नीरज की वैल्यू, या नीरज की वैल्यू दिख रहा है, 0+3
पूजा की वैल्यू, मतलब कि यहां से लेके सात रो आपका दिख रहा है मनी तक का, सेवन रो दिख रहा है। अब जैसे मैं इसको एक बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, वन हो जाएगा, तो वन यहाँ पे हो जाएगा, वन प्लस वन टू, मतलब कि ये पूरा पुट किया जाएगा यहां रवि तक, ठीक है। और ऐसे जब हम इसको चेंज करेंगे, इसको नीचे ड्रैग करेंगे, देखिए ठीक है, समझ में आया सर, किसी को डाउट है इसमें? नई एंट्री, अगर मान लो कि एंट्री आपकी बढ़ रही है घट रही है, तो जो आपने इसमें 297 माइनस 84 किया था ना, उसको फिर आपको बढ़ाना पड़ेगा। इसको आप मान लीजिए ऐसा लगता है तो यहाँ पे 300 कर दीजिए, लेकिन 300 हाँ नहीं, आप पहले कर दो, लेकिन इसमें क्या है ना, वही दिक्कत है कि फिर नीचे जो है जब डेटा नहीं रहेगा तो ब्लैंक देखिएगा, जीरो जीरो देखिएगा, तो अगर जीरो जीरो दिखवाना चाहते हैं आप तो आप पहले से रख दीजिए, अगर जीरो जीरो नहीं दिखवाना चाहते हैं तो ये कर दीजिए। हाँ सर, क्योंकि इसमें फॉर्मूला नहीं लगा सकते ना आप, इसको नई एंट्री से ये आप अगर ऐसा करना चाहो कि भाई नई एंट्री हो तो ये अपने आप बढ़ जाए, ठीक है, तो उसके लिए फिर इसमें आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते ना आप, अच्छा इसमें तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, इक्वल साइन ले सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं, लगा के देख लीजिए, काउंट ए लगाना ले, फॉर्मूला एक्सेप्ट नहीं करेगा ये, नहीं क्या ना, ठीक है। ये फाइल मैं आप लोगों को भेज रहा हूं, आप लोग उस पर प्रैक्टिस कीजिए, और साथ में अभी तक जो मैंने आपको एक्सेल सिखाया है उसमें किसी कुछ टॉपिक को अगर आप दोबारा से सीखना चाहते हैं तो भी आप मुझे लिस्ट बना लीजिएगा, हम आपको वो चीज रिपीट कर देंगे, ठीक है। वीडियो अभी थोड़ी देर में यूट्यूब पे चली जाएगी सर, ड्राइव में तो कल सुबह जाएगी ना सर, ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट। I wish to use the filter on the workbook to save in the four different Thank you.